खुदावन प्रभु यीशु मसीह दे जिंदा ते जलाली नाम दे विच आप सब नू मेरे वल्लों पास्टर सरवण मेजर वल्लों प्यार भरी जय मसीह दी। मेरे अजीजो जिस खुदा दे कदम नू मैं अज तुहाडे रूबरू करन वास्ते जा रहा हाँ, मैं जरा दस दवां उन्हां दी जिंदगी दे बारे, क्योंकि वह प्रभु दे विच आउण तों पहलां उन्हां दी जिंदगी दे विच मसीहत नहीं सी। उन्होंने बहुत सारे पंजाबी गीतों के द्वारा पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के विच बहुत प्रसिद्ध होए और बड़ा नाम कमाया। मैं दसना चाहना हाँ, उन्होंने सेवकाई के आने तो पहला रबता भी बहुत व्डे व्डे फनकार लोगों के नाल होया और बहुत दुनिया के कोने कोने ते जाके उन्होंने अपने गीतों गाया। पर मैं दसना चाहना, वो गीत मसीह गीत नहीं सन। अचानक उन्होंने कोल जो प्रभु का मुकदस कलाम पहुँचा, उन्होंने जीवन बदल गया, उन्होंने दिल छिद गया और परमेश्वर की खिदमत लई तैयार हो गए। अज इस स्टूडियो दे विच आए ने। मैं दसना चाहना हाँ, उन्हां दा नाम है प्रभु दे दास पास्टर सुरमनदीप मानसा वाले और अज वो साडे दरम्यान ने। मैं प्रभु दे दास दा दिल दीयां गहराइयां तों धन्नवाद करदा पास्टर साहब जी। जय मसीह दी। जय मसीह दी जी। और साडे स्रोते तुहाडी जिंदगी दे बारे विस्तार दे नाल जानना चाहुंदे ने। हाँ जी, रूहान टीवी दे सारे दर्शकां नूं मेरे वल्लों प्यार भरी जय मसीह दी। जय मसीह दी। तो मेजर जी, आप सब कुछ दस ही दिता कि मेरा नाम सुरमनदीप मानसा तो, और मेरे पिता जी का नाम सरदार गुरचरण सिंह, और मेरे दादा जी का नाम सरदार गज्जन सिंह, माता जी का नाम अजीत कौर। मानसा मेरा जंपल शहर हैगा, डिस्ट्रिक्ट मानसा, और उहदे विच ही भोपाल पिंड उत्थे मेरे नानके सी, मेरा जन्म उत्थे होया नाल ही बिल्कुल। तो खुदा दा मैं धन्नवाद करदा, परमेश्वर ने अज दे दिन तक बचा के रख्या। और पास्टर साहब जी, तुहानूं सेवकाई दे विच आ के किदां दा महसूस हो रहा? खुदा दा धन्नवाद करदा जी, बहुत शांति है और बहुत सेवा दे विच आनंद आ रहा। धन्नवाद जी। और पास्टर साहब जी, जदों तुसीं सेवकाई दे विच नहीं सी आए और तुसीं किहड़े गीतां नूं गाउंदे सी, जां ਉਹ ਸਮਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਉਹ ਜੋ ਗੀਤ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੀਤ ਸੀਗੇ, ਦੁਨਿਆਦਾਰੀ ਦੇ ਗੀਤ ਸੀਗੇ, ਗਾਈਦੇ ਸੀ ਪਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹ ਮੈਥੋਂ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੈਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਲਈ ਗਾਉਂਦਾ ਸਿਰਫ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ 'ਤੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਕਫ ਨੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਆ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਿੰਗ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਾਈਦਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਾਲਜ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ 2003, 2004, 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ। 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ। 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੈਪਸੀ ਬਣ ਜਾ ਸਟਾਰ 11 ਇੱਕ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਅਵਾਰਡ ਵਿਨ ਕੀਤਾ। 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ, ਮਤਲਬ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ। ਔਰ ਅਨੇਕਾਂ ਕੈਸਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀਆਂ, ਜੋ ਸੈਕੂਲਰ ਸਿੰਗਿੰਗ ਆ, ਤੋ ਉਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਗੀਤ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਸਰ, 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪੈਪਸੀ ਬਣ ਜਾ ਸਟਾਰ 11 ਦੇ ਵਿੱਚ 2004 ਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਜੀ ਸਨ? ਹਾਂਜੀ, ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਅਤੁਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਠੀਕ, ਡੋਲੀ ਗਲੋਰੀਆ ਜੀ, ਹੋਰ ਕਾਫੀ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੱਜਮੈਂਟ 'ਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ? ਠੀਕ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਏ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਰੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਮੁੜਿਆ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਆ ਉੱਥੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸ਼ੋ ਕਰੀਦੇ ਸੀ, ਆ ਜਾਈਦਾ ਸੀ, ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਤਕਲੀਫਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਕੇ ਮਿਲੀ ਆ, ਕਲਾਮ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਹੁੰਚੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੀ ਪੈਗਾਮ ਹੈਗਾ ਖੁਦਾ ਦਾ, ਐਬੋਸੇ ਦਵੇ ਕੁਚੜੇ ਲੋਗੋ, ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਮੇ ਆਰਾਮ ਦੂੰਗਾ।
तो परमेश्वर ने शांति दी है तो हूँ खुदा के काम के ही लगे हुए हैं। और मीटिंग दौरान मैं थोड़े को प्रभु के कलाम को सारी कलीसिया के नाल मिलकर सुन रहा सी। मैं बहुत अच्छा लगा जो तुसी प्रभु के पवित्र मुकद्दस कलाम को शेयर कर रहे सी। और पास्टर साहब जी इदा कभी हो नहीं सकता कि साढ़े स्टूडियो दे विच कोई सिंगर आवे और असी उन्हां दे कोलों गीत ना सुनिए। हाँ जी, इन्ना जरूर है कि पहला तुसी पंजाबी जो दुनियादारी के गीत से गाउंदे सी, की तुसी अज स्रोतियां दे लई कुछ प्रभु की महिमा दे लई गाउणा चाहुंदे हो? हाँ जी जरूर। ठीक है जी, तां जरूर सुनाओ। खुदाया खुदा ने आके है लेना, मैं आखांगा कि किते रह न जावा मैं, नाम दा मसीह किते रह न जावा मैं, नाम नाम से किते रह न जावा। क्या बात जी। और श्रोते चाहते ने कि तुसी अपने जीवन के बारे अपने जीवन की गवाही नू इस चैनल के द्वारा लोगों तक पहुँचाओ, और मैं चाहुंदा हाँ कि तुसी अपने जीवन की गवाही नू इस जगह पर शेयर करो। हाँ जी, तो पास्टर जी मैं अपने जीवन की गवाही दसनी चाहना। खुदा इस गवाही दे नाल जो अज दा जिन्हां दा दिल टुटिया होया, जो दुखी ने परेशान ने, वो इस गवाही द्वारा अज बरकत पाउण। मैं चाहना इस रूहान टीवी दे माध्यम द्वारा सब तक मेरी गवाही पहुँचे। मैं दसना चाहना कि मैं तकरीबन उदो 1.5-2 साल का एक बच्चा ही सी, 30-32 साल के करीब पुरानी गल दस रहा मैं थोनू जी। किसी धार्मिक जगह का मैं ठेस नहीं पहुँचानी चाहता, जरूर दसना चाहना। पहाड़ी इलाका, नैना देवी का इलाका, तो यह उपर पहाड़ी बनी हुई है। उत्थे साडा सारा ही परिवार मानसा दे 25 लोग होर उत्थे किते जगह पर मत्था टेकन गए हुए सी, ते उत्थों बस दे ब्रेक फेल होए जी। 25 सवारियां मानसा दे सी, मेरे उहदे विच मम्मी डैडी और मेरी सिस्टर, मैं खुद, मेरी ताई, साढ़े परिवार के 7 मैंबर से तकरीबन तकरीबन। उत्थे जो बस दे ब्रेक फेल होए, ड्राइवर ने छाल मारती, बस आउट ऑफ कंट्रोल हुई, तो खड्डे दे विच पहाड़ी तो उपरों थले डिगी और बस बिल्कुल ही खत्म हो गया सब कुछ। उस पूरी बस दे विचों सारे ही मारे गए, इक्को ही बच्चा बचा, वो मैं। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर की महिमा लई परमेश्वर ने बचाया मैनू, क्योंकि अज मैं खुदा दे लई वर्शिप करदा, खुदा लई गाउना, खुदा लई ही मेरा जीवन आ। उन्हां टाइमां दे विच जो मैं बचा, थोड़ा वड्डा होया, तां अनेकां जगह तो परमेश्वर ने बचाया। पानी दे विच भी मैं डुब्या, उत्थों भी मैनू खुदा ने बचाया। फिर एक बार गड़े औले आ जांदे हैगे, मीह पैंदे विच गड़े वड्डे वड्डे आए, उत्थों भी खुदा ने मैनू बचाया। मीह दे विच मैं गड़े मेरे वजे सी सिर च वी, मैं बड़ा मतलब बच्चा ही सी उदों जी, ते उत्थों भी खुदा ने बचाया, अनेकां तरीकियां नाल बचाया खुदा ने। फिर पास्टर जी मैं थोड़ा वड्डा हुंदा है, क्योंकि तुहानू पता माँ बाप तो बिना जिहदा कोई ना होवे उहदा यसू ही हुंदा है। हालेलुया, ये परमेश्वर की महिमा लई। मैं जदों वड्डा हुंदा गया ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦੀ ਵੀ ਆਪ ਹੀ, ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਚਾਚੀ, ਭੂਆ ਫੁੱਫੜ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ, ਐਸੇ ਤਾਂ ਸਭ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਜੋ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ, ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੋਈ
पर कलाम दे विच ये भी लिखा है दुध पींदे बच्चे नू माँ भुल सकती है, मैं तैनू ना कदी छड़ांगा ना कदी त्यागांगा। यसु मसीह अनाथां दा परमेश्वर आ, हालेलुया। विधवां दा, अनाथां दा, परदेसियां दा, वह खुदा ही हैगा जिहड़ा सब नू तसली दिंदा गा। मैं वड्डा हुंदा गया, दुख तकलीफां सी जिंदगी दे विच, तकरीबन तकरीबन 15 साल पहलां दी भी मैं गल दसदा, मेरे मम्मी होरी चारे भैणां सकियां मेरिया मासियां, मेरे डैडी होरी चारे भरा, तो तां करके प्यार तां मैनूं सब दा ही मिलिया, कोई ऐसी गल नहीं सी, पर खुदा दा जो प्यार आ वो अलग है, अलग है खुदा दा प्यार अलग है, डिफरेंट है। तो वह मैं अपनी पढ़ाई लिखाई एना कॉलेज मानसा भी पढ़ता रहा जी, तो फिर मैं चंडीगढ़ पढ़न चला गया। हाँ जी, तो इन दौरान ही मैं सारे कंपीटिशन जितते, जिन्हें भी कंपीटिशन होए, फिर मैं यूथ फेस्टिवल होर नैशनल इंटरवर्सिटी गोल्ड मैडल सब जितते, पर सुकून बिल्कुल नहीं सी, दुख तकलीफ बहुत ज़्यादा सी। 15 साल पहला मानसा एक बहुत वड्डी बंदगी हुई पास्टर नरेश पॉल जी दी जी, उत्थों मैं एक गीत भजन तैयार किया, उत्थे स्टेज पर भी गाया सी जी, तो उत्थे उन्हां दे नाल होर पास्टर जी सी, वह भी घर आए तो उन्होंने एक मैनू बाइबल दिती, बाइबल दिती, वह बाइबल मैं खुद तो नहीं पढ़े पढ़ी, मैं अगे घर दी बाइबल मेरे परिवार के मेरे सिस्टर नू जी, मेरे मासी दे लड़की ने गे, तो उन्होंने दिती, उन्होंने पढ़ी, उन्होंने जीवन बदल गया, वह 15 साल पहले ही उन्होंने जीवन बदल गया सी, हालेलुया। तो वह खुदा का धन्यवाद करते हैं, पर बाइबल वह मैनू खुदा दे दासा ने दिती सी, मैं वह बाइबल अगे दिती आप नहीं पढ़ी, खुदा दी ऐसी दया हुई, कन्न फड़ के फिर खुदा कम करवाउण जाणदा, अज बाइबल चका के सह लैता परमेश्वर ने, हालेलुया। हुण मैं बाइबल चक्की फिरदा, और यसु मसीह मैनू नाम भी नहीं सी लैणा आउंदा, मैनू घर दे मेरे सके मासी जी वह मैनू कहिंदे पुत तू एक वारी यसु ही कह दे, मैं कह यसु, और रब दे लोको पास्टर जी मैं सच्ची कहना वह यसु क्या अज तो 5 साल पहला यसु यसु ही कहिंदा फिरदा, हालेलुया। तो 9 अप्रैल 2016 दे विच मेरा बपतिस्मा होया, क्या बात है। चर्च मैं पहला तो ही जा रहा सीगा, साल दो साल चर्च जाते रहे, फिर खुदा दे खादम चंडीगढ़ TPM चर्च, TPM चर्च वालों पास्टर सतपाल जी सी उत्थे जी मोहाली दे विच, हाँ जी, उन्हां दी ड्यूटी सी, उन्हां द्वारा जी मेरा बपतिस्मा होया। ठीक है, तो मैं खुदा दा धन्यवाद करदा, तो प्रभु लई मैं अपना जीवन दिता, मेरा बपतिस्मा होया, दुनियादारी लई मर चुके हैं, हुण यसु मसीह लई जिउंदे हैं। हाँ जी, और प्रभु की सेवकाई तुसी केड़ी जगह हुण कर रहे हो? प्रभु की सेवकाई मैं मानसा दे विच कर रहा, और सेवकाई कदों शुरू की? सेवकाई मैं 14 अप्रैल 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਪਾਸਟਰ ਜੀ, ਇਸ ਸੇਵਕਾਈ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਜੇ? ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਦਾ ਜੀ, ਜੀ ਸੰਗਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭੇਡਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵਚਨ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰੂਹਾਂ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਟੂਡੀਓ ਵੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਅਕੈਡਮੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਤਮਾਮ ਖਾਦਮ ਲੋਕ ਜਾਂ ਤਮਾਮ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਮਾਮ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਾਦਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੀਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਭਜਨ ਗੀਤ ਭਜਨ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੀਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਇਓ, ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਚੈਨਲ ਤੁਹਾਡਾ ਆਭਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਔਰ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਸੇ ਜੋ ਮਸੀਹ ਸਿਤਾਰੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕਣ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਝਾਏ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਖੇਲ ਉੱਠਣ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਅਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ। ਜੈ ਮਸੀਹ। ਜੈ ਮਸੀਹ।